हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है लाइनक्स किंग्स में। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक एरर के बारे में। दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं और आप वर्चुअलाइजेशन के लिए वीएमवेयर वर्कस्टेशन का यूज लेते हैं, तो जब भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, जो वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, अपना जो होस्ट मशीन है, चाहिए ये विंडोज भी हो सकता है, मैक भी हो सकता है, ठीक है, तो उसमें एक दिक्कत आती है कि आप अपना जो होस्ट मशीन है उसके थ्रू अपने वर्चुअल मशीन में इंटरनेट कनेक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपके होस्ट मशीन जो विंडोज या मैक होता है, उसमें तो इंटरनेट रन होता है वाईफाई के थ्रू या फिर इथरनेट केबल के थ्रू, लेकिन जब भी आप ट्राई करते हैं आपका जो वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे काली लिनक्स हो या फिर RHEL का कोई भी वर्जन हो, उबंटू हो या फिर एनी अदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को आज हम इस वीडियो के थ्रू सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये जो सेटिंग्स मैं इसमें बता रहा हूँ, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगी। तो मैं आपको एक काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी काली लिनक्स अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट कर रखा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब भी आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, यहाँ पे एक वायर का निशान बनेगा, ठीक है, वायर्ड कनेक्शन कनेक्टेड ऐसे कुछ दिखाएगा जब भी आप इंटरनेट से कनेक्टेड रहोगे। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि अभी आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहो तो आप अपना जो फायरफॉक्स ब्राउजर है उसको ओपन करके भी कंफर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी सर्च करोगे, ठीक है, यहाँ पे मैं यूट्यूब चलाने का कोशिश करता हूँ, चल देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि वी आर हैविंग ट्रबलिंग फाइंडिंग दैट साइट, ठीक है, सर्वर नॉट रेस्पॉन्डिंग समथिंग लाइक दैट। इट मीन्स कि हमारा जो इंटरनेट है वो अभी एक्सेस नहीं कर पा रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, पर यहाँ से अगर आप कनेक्ट ना हो नेटवर्क अडेप्टर, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का एरर दिखाएगा। तो आप इस एरर को अगर सोल्व करना चाहते हैं तो कैसे सोल्व कर पाएंगे, तो चलिए आज हम उसी को देखेंगे, सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ये सब कैसे होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना जो सिस्टम है, होस्ट सिस्टम, उसमें आपको कंट्रोल पैनल, मैं यहाँ पे विंडोज के थ्रू बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल में जाना है, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाके आपको यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, इस पे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो आप जिस नेटवर्क से भी कनेक्टेड होंगे, चाहे वो इंटरनेट हो या फिर वाईफाई हो, ठीक है, उसका जो भी है उसमें सारे कनेक्शन दिखा देगा। अभी मैं यहाँ पे वाईफाई सुपर 5G से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो इसका जो स्टेटस है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, यहाँ पे जाना पड़ेगा। इस पे जाके आपको शेयरिंग का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना पड़ेगा, और शेयरिंग पे इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग में आप ऑप्शन देख सकते हैं, अलाउ अदर नेटवर्क यूजर टू कनेक्ट थ्रू दिस कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन। तो सबसे पहले हमें इसको इनेबल करना पड़ेगा, यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको लास्ट में दिखेगा इथरनेट, ठीक है, इथरनेट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इथरनेट, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे इथरनेट क्लिक करके यहाँ पे जस्ट ओके कर देना है, ठीक है, और यहाँ से आप क्लोज कर दो। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे जो चेंज अडेप्टर सेटिंग है इसमें जाके भी आप कर सकते हो। यहाँ पे वाईफाई 5G है मेरा, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पे जाओगे और यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इथरनेट सेलेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये सब करने के बाद हमें अपने वर्चुअल जो वर्क स्टेशन है वीएमवेयर उसमें आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे होम पे आएंगे, होम पे आने के बाद हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। इस पे अब मैं वापस वीएम पे आऊंगा, वीएम पे आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इसकी सेटिंग्स है, ठीक है, इसमें जाएंगे अपन, ठीक है। तो सेटिंग्स में जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका जो नेटवर्क अडेप्टर का जो ऑप्शन है, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ब्रिज सेलेक्ट कर रखा है तो इसको यहाँ से ब्रिज सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप वर्चुअल बॉक्स यूज करते हैं तो वहाँ पे ये जो ब्रिज का ऑप्शन है वो काम करता है, लेकिन वीएमवेयर वर्क स्टेशन के अंदर ये काम नहीं करता है। तो हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, नेट, ठीक है, नेट वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और इसके नेक्स्ट यहाँ पे जो कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे इसको कर देंगे।
इसके अलावा हमें और कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, और आप देखते हैं कि हमारा ये जो है वो कनेक्ट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो अभी ये हमें डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं दिखाएगा। देखिए अभी कुछ टाइम बाद ये यहाँ से वायर्ड कनेक्टेड हो गया, तो ये रिफ्रेश होने में थोड़ा टाइम लेता है, 5 से 10 सेकंड का। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कनेक्शन का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आप इसको आप दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मेरा यूट्यूब वाला जो मैंने टैब खोल रखा था वो ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारा VMware वर्क स्टेशन के अंदर इंस्टॉल है तो उसमें हम इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, ठीक है, जिसमें हमने सीखा है कि हम जो VMware वर्क स्टेशन है उसमें कोई भी वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इंटरनेट से कनेक्ट कैसे होते हैं। बहुत सारे बिगनर्स होते हैं जिनको ये इश्यू आता है, तो दोस्तों आज हमने इसी इश्यू को सोल्व किया है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।